हमें बोला प्रूव करने के लिए कि एक्स इन्वर्स ए एक्स की पावर में के लेके हमारे पास एक्स इन्वर्स ए की पावर में के एक्स आना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है, बेसिकली एक्स इन्वर्स ए एक्स की होल की पावर में के अगर हम लें तो बेसिकली ये के जो है ना ये इस ए के ऊपर आएगा, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के ऊपर नहीं जाएगा, ए के ऊपर आएगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हो। इसके कहने का मतलब ये है। तो ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने से पहले दो मिनट मेरी बात सुन लो, हमें इसको प्रूव करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। किससे प्रूव करना है? मैथमेटिकल इंडक्शन से। नोट्स आपको मैं लास्ट में दे दूंगा, तो उसकी चिंता मत करो, अभी बस समझने का काम करो। मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है? तीन जो स्टेप्स होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टेप नंबर 1, 2, 3। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है उसको हम चेक करते हैं कि क्या ये इक्वेशन के इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए ट्रू है कि नहीं है। यहाँ पे वेरिएबल के है इसलिए मैंने के लिखा। अगर हम के की जगह ज़ीरो रखें तो क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं आती, ये हमें प्रूव करना है ज़ीरो के लिए। अगर प्रूव होती है तो हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, हमें क्या करना होता है, हमें सपोज़ करना पड़ता है, सपोज़ दैट ये इक्वेशन इज़ ट्रू फॉर सम के इज़ इक्वल टू एन के लिए। अगर हम इसकी के की जगह कोई एन लिख दें तो मान लेते कि भाई उसके लिए वो ट्रू है, एन के लिए वो ट्रू है। फिर हमें क्या प्रूव करना होता है, प्रूव दैट कि भाई अगर हम के की जगह एन प्लस वन लें, एन के लिए ट्रू माना और एन प्लस वन के लिए प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है तीसरे स्टेप में, कि के की जगह हम एन प्लस वन लें तो ये इक्वेशन ट्रू होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन करके देखते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे, तो पहला स्टेप क्या होता है, के की जगह ज़ीरो पुट करना है, तो हमने देखना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है कि नहीं। तो एक्स इन्वर्स ए एक्स की पावर में के, के की जगह क्या रखना है, ज़ीरो रखना है, ओके। एक्स इन्वर्स ए की पावर में ज़ीरो एक्स, ओके। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इन्वर्स इस तरह से। बेसिकली मैंने क्या किया, इन दोनों को एक्सचेंज करके लिख दिया, इसको यहाँ लिखा इसको यहाँ लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि एक्स इन्वर्स एक्स हमारे पास आइडेंटिटी बन जाती है, ये बचना ए, तो ए की पावर में ज़ीरो हमारे पास ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स इन्वर्स ए की पावर में ज़ीरो, इसको रहने देते हैं, इसको मैं इधर ला लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा एक्स, ये हो गया आइडेंटिटी इंटू ए की पावर में ज़ीरो, ठीक है। किसी की पावर में ज़ीरो होता है उसकी वैल्यू होती है वन, पर मैं इसको यहाँ पे वन लिखूँगा नहीं। क्यों नहीं लिखूँगा, क्योंकि हमने इसको ए की पावर में रखना है, हमारे पास एलिमेंट्स ए की पावर में होते हैं तो मैं ए की पावर में रख रहा हूँ। वन लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इसको ए की पावर में रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ए की पावर में ज़ीरो बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिटी है, दोनों तरफ हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वन भी लिख लेते हो तो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा मन कर रहा है, आपको एग्ज़ाम में जैसा करना है वैसा करो, बस दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारे पास प्रूव हो गया कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें जो हमारे पास के लिखा है इसकी जगह हम ज़ीरो लिखे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है। अब हमें क्या करना है स्टेप टू में, स्टेप टू में मान लेना है कि इस के की जगह मैंने कोई एन ले लिया और उस एन को लेते ही हमारे पास ये इक्वेशन ट्रू है, ऐसा हमने मान लेना है। तो हम क्या बोलेंगे कि एक्स इन्वर्स ए एक्स की पावर में एन लेके एक्स इन्वर्स ए की पावर में एन एक्स, ये हमारे पास अब एक गिवन की तरह काम करेगा, ये हमने माना कि भाई ऐसा है, ठीक है। स्टेप थ्री में हमारे पास क्या होगा, स्टेप थ्री में हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ के था ना, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, इसकी जगह एन प्लस वन लिखना है और इसके लिए प्रूव करना है कि प्रूव दैट ये हमारे पास एन प्लस वन के लिए दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। तो बेसिकली हमें करना क्या है, एक्स इन्वर्स ए की पावर में ए एक्स एन प्लस वन लेना है इक्वल टू एक्स इन्वर्स ए एन प्लस वन लेना है, ये हमें प्रूव करना है कि ये इसको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, एक्स इन्वर्स ए एक्स की पावर में एन प्लस वन। इस चीज़ को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स इन्वर्स ए की ए एक्स और एक्स की पावर में एन एक्स इन्वर्स ए एक्स, इस तरह से लिख सकता हूँ। दोनों मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास सेकंड स्टेप था ये हमारे पास अब गिवन का काम करेगा। गिवन हमारे पास क्या है, एक्स इन्वर्स ए की
ए एक्स की पावर में अगर हम एन ले तो उसकी वैल्यू होगी ये, मतलब इसकी वैल्यू होगी ये, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ। तो इसको लिख लेते हैं, अभी एक्स इनवर्स ए की पावर में एन एक्स इंटू में एक्स इनवर्स ए एक्स, इन दोनों को देखो ये हमारे पास क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी बनाएंगे। तो आइडेंटिटी के साथ किसी का भी मल्टीप्लीकेशन होता है वही चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया x इनवर्स, बेस से मैं पावर ऐड हो जाएगी, n प्लस वन आ जाएगा, x आ जाएगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ये थी, राइट हैंड साइड हमारे पास ये आ गई। क्या प्रूव हुआ? प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।